तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ पेस्ट स्पेशल के बारे में कि पेस्ट स्पेशल क्या काम करता है। जैसे कि मैंने इसको कॉपी डेटा कॉपी किया और कहीं भी पेस्ट करेंगे जैसा डेटा है सेम टू सेम पेस्ट होगा, लेकिन पेस्ट स्पेशल हमें एक फैसिलिटी देता है कि जो एरिया हमने कॉपी किया है उसका क्या पार्ट पेस्ट करना चाहते हैं, ओवरऑल पेस्ट ना करके इसके कुछ पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करोगे। तो सबसे पहले ऑल आता है, ऑल जस्ट लाइक कॉपी एंड पेस्ट, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट होता है। अब कुछ बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि सर यहाँ नेम है, फॉर्मूला तो है नहीं, ये तो टेक्स्ट है, फिर नहीं, क्यों पेस्ट किया? तो फॉर्मूले के मतलब है जो फॉर्मूला बार में विजिबल, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे कोई फॉर्मूला हो, तो जैसा है वैसा पेस्ट कर देगा। वो सारी फॉर्मेटिंग को, सारे कमेंट्स को, हर तरह की चीजों को इग्नोर करके सिर्फ जो फॉर्मूला बार में दिखता है उसी को पेस्ट करता ओके। सो चूज करते दूसरा। वक्त वी कैन चूज द होल टेबल इंस्टेड ऑफ जस्ट सिलेक्टिंग द फॉर्मूला का हाँ लाइन या कॉलम। यार राइट, जैसे किसी से आपने डेटा लिया वहां पे बहुत सारी की फॉर्मेटिंग लगी है, लेकिन आपको अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करनी है, उसकी फॉर्मेट नहीं चाहिए आपको। सो वी कैन यूज द फॉर्मूला, और फॉर्मूला चाहिए मतलब कि डेटा में फॉर्मूला उसका जो जो लगाया हुआ है वो फॉर्मूला मुझे चाहिए होगा, तो उस केस में हम पेस्ट जो फॉर्मूला कहते हैं। अब आती है बारी कि मुझे उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं चाहिए और ना ही मुझे फॉर्मूला चाहिए, तो उस केस में राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ हम क्या करेंगे, वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तो वैल्यू क्या करेगा, इसकी हर तरह की फॉर्मूला रिमूव कर देगा और फॉर्मेटिंग रिमूव करेगा, जो डेटा विजिबल है ना वही देगा। अब बोले सर यहाँ तो कुछ और है वहाँ कुछ और है, तो रैन बिटवीन का फॉर्मूला है इसलिए बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि जो मैं कॉपी करके कहीं और पेस्ट किया तो मेरा फॉर्मूला रिमूव हो गया, मैं चाहता हूँ कि जहाँ फॉर्मूला लगा है ना वहीं पर रिमूव करूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रैंडम नंबर आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसका फॉर्मूला रिमूव हो जाए ताकि वैल्यू हमारी चेंज ना हो, तो उस केस में उसी के ऊपर उसको कॉपी करके उसी के ऊपर पेस्ट एज ए वैल्यू कर दीजिए। वैल्यूज ओके ये ओके हाँ देखिए आपका चेंज नहीं हो रहा है। जी इट डजंट अब चेंज। यहाँ पे एक चीज और आती है, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका बहुत सा अच्छा यूज है सर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मैंने एक रिपोर्ट बनाया हुआ है, ये रिपोर्ट आपके सामने मिल रहा है, दिख रहा है। ओके अब ये मिल रिपोर्ट मुझे किसी को भेजना है, रहा है हाँ जी तो ये मुझे फाइल भेजनी पड़ेगी। अब फाइल भेजने के में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि मेरा डेटा काफी बड़ा है या सेंसेटिव है, राइट सर। सो मैं हाँ जिसको भेजना चाहता हूँ उसको मैं डेटा नहीं रिपोर्ट सी भेजना चाहता हूँ। मैं भेजना चाहता हूँ कि हमने टोटल सेल 756K किया है, ये नहीं बताना चाहता है कि किस किस को कितना कितना बेचा है, ठीक है। ओके ठीक है तो ये सीट कैसे भेजे, ओनली फॉर सीट। तो सीट के ऊपर राइट क्लिक करके हम करेंगे मूव और कॉपी। अब यहाँ ओके क्रिएट कॉपी पे ध्यान से क्लिक कर दीजिएगा, अदरवाइज ये सीट मूव हो जाएगा। तो कहाँ, हाँ तो मैंने बोला एक नई वर्कबुक, एंड जैसे ओके किया एक नई फाइल खोल के ये पूरा का पूरा दिया। अब देखिए क्लिक करते ही फॉर्मूला देखिए क्या दिख रहा है, पूरी फाइल का पाथ ले रहा है। अब मेरे सिस्टम में अभी चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि अभी ये फाइल अवेलेबल है ये वाली, ठीक है। ओके अगर मैं आपको ओके फाइल मेल करूं तो आपके सिस्टम पे नहीं चलेगा। अब बात आती है कि सारे फॉर्मूले रिमूव करने हैं। अब प्रॉब्लम है कि मेरे डेटा में सिर्फ फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूले है तो कहीं कहीं पे, जैसे यहाँ है यहाँ है यहाँ इस तरह से है, फिर इस तरह से यहाँ है, फिर ऊपर में है, तो जहां तहाँ अलग अलग छिटपुट फॉर्मूला लगा। अब मैं एक एक करके वैल्यू पेस्ट करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। आप क्या करें, वन और ए के बीच में जो ट्रायंगल होता है उस पर क्लिक करते पूरा सीट सेलेक्ट हो जाए। अब इसको कॉपी ओके कीजिए और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए वैल्यू कर दीजिए। ऐसा करते ही आपका डेटा में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा और आपके सारे ओके फॉर्मूले जो आप देख सकते हैं कन्वर्ट रिमूव हो जाएंगे और उसकी वैल्यू उसके सामने दिख जाएगी, ठीक है सर। ओके
ओके, अब सेव तो जस्ट करके आराम से कर रिपीट द सो द शीट शीट सेलेक्ट सेलेक्ट करना है, करना है, शीट सेलेक्ट करके नहीं, आप सुन अपने लीजिए, एक मिनट पूरी तरह से यस सोचिए। सबसे पहले तो मैं जिस जो मेरा डेटा है उसमें से मेरा शीट को अलग करना है। करेक्ट, शीट को अलग करना है, अलग करने का करेक्ट तरीका सिंपल है, मूव एंड कॉपी राइट क्लिक करके, मूव एंड कॉपी, ओके क्रिएट कॉपी और न्यू मूव वन। एंड कॉपी एंड ये क्या करेगा, क्रिएट कॉपीज, क्रिएट हाँ कॉपी इज मोर इम्पोर्टेंट आपने जी बोल जी दिया, तो ये पूरी सीट को कॉपी करके कहाँ ला देगा, एक नई फाइल के अंदर, ठीक है। उसके ओके बाद आपको वन और ये के ऊपर ट्रायंगल है इसको सिलेक्ट करना है जिससे आपकी पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी, सेलेक्ट करेगा एंड राइट क्लिक एंड सेलेक्ट द वैल्यूज, एंड कॉपी, पहले कॉपी करेंगे इसको, कॉपी देन इसके ऊपर पेस्ट ए स्पेशल एंड पेस्ट एज ए वैल्यू एंड ओके। वैल्यूज ऑफ योर, समझ समझ गए रोहित गया जी, समझ में आया, जी सर, नहीं तो दिक्कत इसमें। तो पेस्ट जो वैल्यू का इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया, क्योंकि उसके बगैर फिर दिक्कत हो जाती है वो रिपोर्ट भेजने में। अब इसमें बात करते हैं पेस्ट स्पेशल में, पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल में हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग, क्योंकि सिर्फ फॉर्मेटिंग आपको पेश करता है, बाकी कोई डेटा नहीं। फॉर्मेटिंग इन सेंस इसका बॉर्डर, इसका कलर, इसका फॉन्ट, इसका साइज, मर्ज, जो फॉर्मेटिंग होते हैं ये सारे फॉर्मेटिंग, ओके ठीक है सर। ठीक है अब इसमें आगे आते हैं कमेंट्स के बारे में। जो ये आपको दिख रहा है अमाउंट, हमने इसके ऊपर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल दी, इंसर्ट न्यू कमेंट, हमने बोल दिया कि दिस अमाउंट विथ GST, ओके ठीक है। अब जैसे इस पे कर्सर रखेंगे देखें, दिस अमाउंट विथ GST आ गया, समझ समझे। गए, यस सर, इसके अंदर ये भी हो सकता है, मतलब जैसे आपने ये सिर्फ एक अमाउंट के सेल पे लगाया कमेंट, तो ये ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इस कॉलम में अगर कहीं भी मैं क्लिक करूं, इसी कॉलम में स्पेसिफिक सी में अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करूं तो मुझे वो कमेंट दिखाई दे, कॉलम पे भी लगता है हाँ अगर क्लिक हाँ करता देखिए, हूं। कमेंट आपको लगाना होता है तो आपको अगर एक कमेंट बाकी सब पे चाहिए तो आप इसको कॉपी कीजिए, वही चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि आप कॉपी कीजिए और इस पूरे को सेलेक्ट कर ले, ठीक ठीक हेलो, है। एक मिनट सर, पूरे को सेलेक्ट कर ले, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और इसमें आप कर दे कमेंट्स एंड नोट्स, क्योंकि मुझे हेडिंग का ओके डेटा ठीक नहीं है ठीक चाहिए, इसी कमेंट एंड नोट्स चाहिए। है ठीक अब इस सब पे है कमेंट लग जाएगा, जिस पे कर्सर रखिएगा उस पे आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ठीक उसके बाद जब इसको कॉपी करते हैं, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसमें बॉर्डर ना आए, तो यहाँ पे ऑल स्टैक्ड बॉर्डर होता है, सब कुछ आएगा, बॉर्डर नहीं आएगा। हाँ इसमें एक चीज और होती है, जब हम पेस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपका कॉलम का जो विड्थ है वो नहीं आता। कभी कभी क्या होता है कि हम देखा होगा रिपोर्ट जब हम बनाया था उसमें हमने कॉलम विड्थ को करेक्ट, एडजस्ट किए हुए थे ताकि मतलब हाँ व्यू में एक दिख व्यू में भी दिखे और बाकी चीजें इग्नोर हो जाए। तो जब आप पे कॉपी पेस्ट करते हैं चाहे नॉर्मल पेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे कॉलम की विड्थ पेस्ट नहीं होती। कॉलम की विड्थ के लिए आपको पेस्ट स्पेशल में कॉलम विड्थ सेलेक्ट करके ओके करना होता है, ठीक है। पेस्ट स्पेशल में, पेस्ट स्पेशल में मल्टीपल चीज सेलेक्ट कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल पे आप क्लिक करो, अभी हमें फॉर्मूला सीख कर, फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक ही ये चीज, जो एक मिनट देखिए, जो एक चीज समझ लीजिए, जो पॉपअप होते हैं हाँ पॉपअप के अंदर जो बटन्स होते हैं उसमें ध्यान रखिए, हाँ अगर ये ऑप्शन बटन है इट मीन सिलेक्ट इनली ओनली वन, ओके समझ किसी भी तरह का कहीं भी आप गया, इंटरनेट पे फॉर्म भरने जाते हैं तो ऑप्शन बटन मिल गया
इसका मतलब है कि सिलेक्ट एनी वन, चेक बॉक्स इट मीन सिलेक्ट द मल्टीपल्स। ओके ओके, तो मैं यहां से वैल्यू और ये ट्रांसपोज सिलेक्ट कर सकता हूं, बट मैं वैल्यू और यहां पे कॉलम विड्थ नहीं सिलेक्ट कर सकता, नहीं कर सकते। ओके ठीक है। ओके तो यहां पे कॉलम विड्थ पे ध्यान रखिएगा कि कॉलम विड्थ सिर्फ एक विड्थ को पेस्ट करे, डेटा पेस्ट नहीं करता। लेकिन मैं चाहता हूं डेटा और विड्थ एक साथ पेस्ट हो जाए, तो वो चीज आपको नई एक्सेल के अंदर जो लेटेस्ट एक्सेल में जो आइकन्स होते हैं ना, ये आइकन से मिलेगा। पेस्ट इस पे यहां पे क्लिक करते हैं तो सारे आइकन्स के फॉर्म में आते हैं क्या पेस्ट करना। इसी में आपके सामने ये आता है ये वाला जिसके कीप सोर्स कॉलम विड्थ लिखा हुआ है, इसमें डेटा भी आएगा और कॉलम का सोर्स भी। क्लिक कीजिए, दोनों। ओके अब बात करते हैं डेट्स के। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डेट डाल दी, डेट आज में डेट डाल देता हूँ, 2 तारीख में गांधी जयंती, गांधी जयंती, गांधी जयंती तो हम नहीं मनाते, हम मनाते लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, क्योंकि उनका व्यक्तित्व गांधी से अच्छा है। हमारा भी वही है सर, उनका व्यक्तित्व मैं ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ इस बात को, गांधी जी का, बहादुर शास्त्री जी का व्यक्तित्व गांधी जी से अच्छा था। प्रॉब्लम ये है सर कि कभी पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि गांधी जी पोलाइट थे और महात्मा गांधी तो यहां हम इस डेट को लेते हैं और इस डेट पे राइट क्लिक कर पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में आपके सामने हम वैल्यू कर देते हैं। तो वैल्यू करते हैं नंबर इस तरह के आ गया, डेट जो है नंबर में कन्वर्ट। तो आप ये बताएंगे सर ये नंबर होता क्या? 2 अक्टूबर 44836 में कन्वर्ट हो, क्या है 44836? कोई कोड है या कुछ अलग है? सर ये डेट का फॉर्मेट नहीं है ना, क्योंकि ऊपर तो जनरल आ गया है यहाँ पे। वो तो समझ में आया कि फॉर्मेटिंग हट गई है, लेकिन नंबर मैं पूछ रहा हूँ ये नंबर क्या है, इस नंबर से क्या समझते हैं? ये तो नहीं पता सर। देखिए नंबर जो है नंबर ऑफ डेज है, कंप्यूटर इंटरनेट जब से शुरू हुआ है और 2 अक्टूबर तक कितने दिन हो चुके हैं। आप जो कोई डेट डालते हैं तो डेट डेट फॉर्मेट फॉर्म में नहीं, नंबर ऑफ डेज के फॉर्म में स्टोर होता है। ये बात अगर किसी को बोले और किसी ने बोला यार चल फेंक रहा है, तो उसको साबित कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे 1 लिखिए, इट मीन्स 1 डेज, समझ गए? ठीक है। और इसके ऊपर मैंने डेट अप्लाई कर दिया तो क्या दिख रहा है 1/1/19, मतलब कंप्यूटर कैलेंडर 1/1/19 में स्टार्ट हुआ है, से स्टार्ट है। ठीक है। आप अगर अपने कैलेंडर में देखें तो आपको इससे पहले की कैलेंडर डेट नहीं दिखेगी, और नहीं आप इससे पहले की डेट, जैसे मैंने डाल दिया 10th October 1856, तो आप देखिए ये डेट नहीं है। देखिए अब इस डेट, जो डेट है इसके ऊपर आसानी से कुछ ऐड कर सकते हैं, बट इस पे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि डेट है ही नहीं, एक टेक्स्ट है। क्या है? ओके टेक्स्ट, टेक्स्ट है। तो अब मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे 32 डालता हूँ तो देखिए महीना चेंज हो गया, फरवरी आ गया। यहाँ 367 डाल दिया तो देखिए ईयर चेंज हो गया, 365 के बाद साल चेंज हो जाता है। ऐसे 44836 डालेंगे तो यहाँ आज का डेट आ जाएगा। ठीक है। ओके अब क्वेश्चन आता है कि यूजर ने, इसने प्रोग्रामर ने इस सिस्टम किया के कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि एक्सेल के अंदर में किसी भी तरह की टेक्स्ट भी आप चेंजिंग किसी तरह की कोई नहीं कर सकते, एडिशंस नहीं करते, कैलकुलेशन नहीं कर सकते। बट मैं 2 अक्टूबर में तो आसानी से कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, अगर 2 अक्टूबर में मान लीजिए टेक्स्ट भी है तो बेसिकली 2 अक्टूबर आपको विजुअल हो रहा है। क्या हो रहा है? विजुअल हो रहा है, दिख रहा है, विजिबल,
लेकिन अगर जब इसको जनरल करेंगे तो ये दिखेगा 4486, मतलब जो कैलकुलेशन हुआ है, जो प्लस हमारा 20 हुआ है वो 4836 में हुआ है, ना कि 2 अक्टूबर में, और रिजल्ट भी हमारा 4856 आया है। लेकिन जब इसके ऊपर हम डेट की फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो वो मतलब 31 के बाद 28, 29, 31 के बाद महीना चेंज करता है, 365 के बाद जो है ईयर चेंज करता है, इस तरह से एक डेट फॉर्मेट दिखा देता है। लेकिन जब हम कॉपी करके पेस्ट जो वैल्यू करते हैं, पेस्ट वैल्यू को बोला गया रिमूव ऑल फॉर्मेट, पर डेट भी एक तरह का फॉर्मेट है, तो क्या करते हैं वैल्यू उसको रिमूव कर देते हैं। तो आप चाहते हैं कि डेट का फॉर्मेटिंग रिमूव ना हो, बाकी सारी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाए, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला और वैल्यू की जगह पे फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट एंड वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये आपके सामने रिमूव हो जाएगा। ओके, वैल्यू एज नंबर फॉर्मेट, समझ गए जी। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आज का एक छोटा सा टॉपिक हम बता रहे हैं आपको, मैंने यहाँ पे 20 लिया है, यहाँ पे 30 लिया है। अब 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर जाते हैं, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में मैंने कर दिया यहाँ पे ऐड या मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड, दोनों के बीच में कैलकुलेशन होकर रिजल्ट यहाँ पेस्ट हो जाता है, ठीक है सर। ओके, अब आपको इसका एक ऑफिशियल यूज खोजना है कि इसके एक ऑफिशियल यूज क्या है। I don't know, sir. ठीक है, ये आपको रिसर्च करना है। और ये फाइल आपको जो है प्रैक्टिस शीट व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप पे डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इसकी